नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डीआईजी कुमाऊं सितारगंज जोशी सितारगंज कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने सीनियर सिटीजन व पुलिस सारथियों से बात की। इसके साथ कोतवाली का निरीक्षण व दस्तावेज का रख रखाव की जानकारी भी ली। वहीं आपको बता दें कि डीआईजी साहब ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। यहाँ आने का मकसद हमारा ये था कि हमारा जो हमने रिसेंटली हमने पुलिस सारथी बनाए हैं, उनसे हमें बात करनी थी, उसका फीडबैक लेना था कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी इस थाने में अभी शायद इसमें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रगति नहीं है। उसके लिए 15 दिन का इनको समय दिया है कि सभी को कार्ड इशू करें और जो भी कमियाँ बची हुई हैं वो पूरा करें। इसकी पुलिस और जनता के बीच की जो दूरी है वो कम होगी और अपराध नियंत्रण में पुलिस सारथी के माध्यम से हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दूसरा, हमारा सीनियर सिटीजन्स का एक अभियान है जिसमें हम लोग महीने के अंत में ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आ गए, उनके लिए भी हम लोगों का ये है कि हम कॉन्स्टेबल से लेकर के और इंस्पेक्टर हर लेवल का हर अधिकारी जो है उनसे जाता है, महीने में मिलता है और उनकी हम लोगों ने सूचियाँ बना रखी है और उनके लिए जो भी हम लोगों से बन पाता है हम उनका प्रयास करते हैं। एक हमारा ये ड्राइव चल रहा है। तीसरा, हमारा जो नशा है, आप जानते हैं कि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सब जगह, उसके लिए भी हमारा लगातार प्रयास चल रहा है और इस जनपद में लगभग जहाँ तक अभी मेरे को फीडबैक मिला है पिछले थाने में 70% इसमें कमी आई है, तो उसमें भी हमारा लगातार काम चल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि जनता के सहयोग से इस नशे के कारोबार को हम लोग जड़ से निपटाने में सफल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हेलमेट है, नवयुवक आप देख रहे हैं बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारी अपील है कि सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें ताकि हम दुर्घटनाओं को कम कर सकें और इससे जो ये मौतें हो रही है, युवा मौतें हो रही है, इसको हम लोग चेक कर सकें।